मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के 20 वर्ष पूर्ण होने पर बीजेपी नेताओं ने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राम सुविरन गुप्ता, सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य, देवसर विधायक सुभाष रामचरित और चितरंगी विधायक अमर सिंह ने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। भाजपा जिला अध्यक्ष राम सुमिरन गुप्ता ने कहा कि 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद से 2003 तक ज्यादातर समय कांग्रेस की ही सरकारें रहीं। इन सरकारों ने प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया। 2003 में प्रदेश में उमा भारती के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। बाद में बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान ने उस सरकार का नेतृत्व किया। भाजपा की सरकार ने प्रदेश को 20 सालों में बीमारू से बेमिसाल राज्य बनाया, बंटाधार से बुलंदियों पर पहुंचाया, पिछड़े से अग्रणी बनाया, समृद्ध और खुशहाल राज्य बनाया। सिंगरौली विधायक राम लल्लू ने कहा कि भाजपा ने 20 साल में गरीबों का जीवन स्तर सुधारने का काम किया तो उसका रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया। भाजपा जो कहती है वो करके भी दिखाती है। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, जबकि कांग्रेस ने देश और प्रदेश को सिर्फ छलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जवाबदेही की एक नई परंपरा शुरू की है, जिसके अंतर्गत हर सरकार अपने कार्यकाल में किए गए कामों का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। हमने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है। और उसी दिन कहा था कि मांग जब किया गया था कि जिला बनना चाहिए, तो उन्होंने कहा निश्चित रूप से बनेगा। जो 20 सालों का जो गरीब कल्याण हमारी रिपोर्ट कार्ड है, जो हमारी सरकारें काम की है, उसके आधार पर आज जिला कार्यालय में सभी सम्मानी यहाँ के पत्रकार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी साथियों के यहाँ पर हम सभी ने आप सबको आमंत्रित किया। चितरंगी विधायक अमर सिंह ने कहा कि साल 2018 में चुनाव के पहले भाजपा सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही थी, जिसे कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया। दोबारा भाजपा सरकार आने के बाद चितरंगी विधानसभा में विकास हुआ। देवसर विधायक सुभाष रामचरित वर्मा ने कहा कि हमने देवास विधानसभा में कई विकास कार्य कराए हैं। पूरे गांव में प्रधानमंत्री सड़क हो गई, स्वीकृति हो गई, सारा पेंशन हो गया, सारा कार्य भी कहीं न कहीं काम की शुरुआत हो चुकी है। अब जाके देख लीजिएगा, काम भी शुरू लीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी City, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।